नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। अक्सर आपने ये सुना होगा, देखा होगा या फिर ये आपके साथ भी घटना घटी होगी कि आपके अकाउंट में अचानक से कुछ पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, भले वो पैसे आपके ना हो। लेकिन जब आप सोचिए कि आपके अकाउंट में करीब करोड़ों रुपए ट्रांसफ़र हो जाते हैं और आप क्षण भर में करोड़पति बन जाते हैं, तो क्या होगा? दरअसल ऐसा ही मामला है बिहार के कटिहार की, जहाँ पर दो छात्र क्षण भर में करोड़पति बन जाते हैं और उनके अकाउंट में, दोनों छात्रों के अकाउंट में करीब 960 करोड़ की राशि आती है। हम आपको बता दें कि ये जो घटना है वो बिहार के कटिहार की है, जहां पर दो छात्र अपना बिहार सरकार के द्वारा मिली हुई पोशाक राशि की जानकारी के लिए वो अपना SBI बैंक जाते हैं, बैंक अकाउंट अपना चेक करते हैं तो देखते हैं कि उन दोनों के अकाउंट में करीब 900 करोड़ और 60 करोड़ की राशि जमा है। इस तरीके से जो राशि उनके अकाउंट में देखने को मिलती है, वो दोनों छात्र भी हैरान हो जाते हैं और साथ ही साथ जो बैंक में अधिकारी हैं और जो आसपास लोग हैं वो भी हैरान हो जाते हैं। इस तरीके से जब उन दोनों छात्रों के अकाउंट में राशि देखी गई तो बैंक में जमा हुए जितने लोग थे वो सभी लोग अपने अकाउंट चेक करना शुरू कर दिए। उसके बाद फिर बैंक में लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई। हम आपको बता दें कि ये घटना जो है कटिहार के आजमनगर थाना क्षेत्र की है, जहां दो स्कूली बच्चे SBI के CSP सेंटर पहुंचे। इन दोनों ने जब अपना अकाउंट चेक किया तो इनको पता चला कि इनके खाते में करोड़ों रुपए जमा है। दोनों के बैंक अकाउंट में करीब 960 करोड़ की राशि थी, जिसमें छात्र गुरुचंद के अकाउंट में 60 करोड़ से अधिक और असित कुमार के अकाउंट में करीब 900 करोड़ से ज़्यादा की राशि जमा थी। यह सुनकर दोनों छात्रों के साथ साथ आसपास खड़े लोग और जितने भी वहां पे बैंक में बैंक कर्मी मौजूद थे वो सभी चौंक गए। और फिलहाल इस बात की सूचना जो है, जानकारी जो है, जो बैंक मैनेजर है उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर को दिया है और फिलहाल अभी इस अकाउंट से कोई भी ट्रांजैक्शन करने पर रोक लगा दी गई है, किसी भी तरीके की निकासी नहीं की जाने को कही गई है। और तो इसी तरीके से जो बैंक के सीनियर ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा कि इसकी पूरी जाँच की जाएगी और तभी पता चलेगा कि आखिर ये पैसे आए कहाँ से हैं और ये पैसे आखिर किन के हैं। हम आपको बता दें कि पहले भी खगड़िया से ऐसे मामले सामने आए थे, जहां पर एक व्यक्ति के अकाउंट में करीब 5,50,000 के अकाउंट में अमाउंट जो है वो आए थे और वो व्यक्ति ने सोचा कि हो सकता है मोदी सरकार के तरफ से राहत राशि के तौर पर ये अमाउंट जो है उनके अकाउंट में जमा हुआ है, उन्होंने इस पूरे पैसे को खर्च कर दिया। बाद में जब इस बात की जानकारी की गई, खोजबीन की गई, तो बाद में जब इस बात की जानकारी बैंक अधिकारी को लगी तो उन्होंने उस पूरे पैसे को वापस लौटाने की बात कही। हालांकि वो जो व्यक्ति था उन्होंने अपने पैसे को वापस नहीं किया और बाद में फिर उस व्यक्ति पर कार्रवाई हो गई। तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा उठता है कि आखिर दो छात्रों के अकाउंट में 960 करोड़ रुपए जो है वो आखिर आए कहां से, इतनी बड़ी रकम की जो ट्रांजेक्शन है वो आखिर किन के अकाउंट में किया जा रहा था और इस तरीके से इन दोनों छात्र जो कि कटिहार के रहने वाले हैं उनके अकाउंट में आ गया। तो फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ पीआर। अगर आपने हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द ही सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।